तो हेलो दोस्तों, एस डी इन्फिनिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं सारी टॉप एनआईटीज को बारी बारी डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन 21 से एसईबीसी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं गुजरात की टॉप कॉलेजेस भी साथ साथ लेता चलूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक गुजरात की टॉप कॉलेज धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी की, जो कि नड़ियाद में आई हुई है। यह कॉलेज एक अच्छी कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी और अच्छी तरीके से प्लेसमेंट देने वाली कॉलेज भी है। इस वीडियो में मैं आपको धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स, प्लेसमेंट स्ट्रक्चर और इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन से। तो DDU नड़ियाद 1968 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। और DDU नड़ियाद में से हर ईयर 660 स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में से निकलते हैं और 100 स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में से निकलते हैं। और इसका हम कैंपस देखें तो वो 42 एकर्स में फैला हुआ है, जो काफ़ी बड़ा कैंपस है। अब हम बात करते हैं DDU नड़ियाद की कैंपस फैसिलिटी। तो DDU नड़ियाद का कैंपस आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जिम, वाईफाई, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स ग्राउंड और ऑडिटोरियम प्रोवाइड करता है, जो किसी अच्छे कैंपस में होना भी चाहिए। अब हम देखते हैं DDU नड़ियाद का फी स्ट्रक्चर। तो आप DDU नड़ियाद में दो मोड से एडमिशन ले सकते हैं। पहला मोड है गवर्नमेंट और दूसरा मोड है सेल्फ फाइनेंस। तो हम सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में फॉर बॉयज़ कैंडिडेट सिर्फ ट्यूशन फी रहती है 1500 रुपीज़ पर सेमेस्टर, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ट्यूशन फीस बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई ट्यूशन फी नहीं है। और आपको इसके अलावा भी एग्ज़ाम चार्ज एंड फीस चार्ज एंड लाइब्रेरी चार्ज देना होता है। अगर आप गवर्नमेंट में से अपनी 4 ईयर्स की स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आपके ट्यूशन फी अराउंड 10 to 17,000 रुपीज़ ही होता है, जो काफ़ी कम चार्ज है। वहीं आप सेल्फ फाइनेंस में से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आपको पर सेमेस्टर 1,52,000 रुपीज़ देने होते हैं, जो बड़ा अमाउंट है। और आप अपनी 4 ईयर की स्टडी कंप्लीट करते हैं सेल्फ फाइनेंस में से तो आपको अराउंड 6.08 लाख रुपीज़ सिर्फ ट्यूशन फी देनी होती है। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो तो आप हॉस्टल या पीजी तो करोगे ही, तो आपको हॉस्टल और पीजी का चार्ज अलग से देना होता है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफर्ड एनसीईटी इंटेक। तो DDU नड़ियाद का कैंपस आपको केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच प्रोवाइड करता है। वहीं हम मैकेनिकल और आईटी की बात करें तो इसमें अब गवर्नमेंट में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। अगर आपको मैकेनिकल या आईटी में एडमिशन लेना है तो आप सिर्फ सेल्फ फाइनेंस में ही एडमिशन ले सकते हैं। अब हम इसकी सीट इंटेक देख लें तो गवर्नमेंट में केमिकल के लिए 54, सिविल के लिए 60, कंप्यूटर के लिए 45, आईसी के लिए 45, ईसी के लिए 45 और मैकेनिकल और आईटी में 0, जो कि मैंने आपको बताया। वहीं हम सेल्फ फाइनेंस में बात करें तो केमिकल के लिए 66, सिविल के लिए 0, कंप्यूटर के लिए 75, आईसी के लिए 15, ईसी के लिए 75, मैकेनिकल के लिए 120 और आईटी के लिए 120। यहाँ आपने सेल्फ फाइनेंस में देखा होगा कि सेल्फ फाइनेंस में लिए सिविल के लिए 0 सीट अवेलेबल है, मतलब आप सिविल में सेल्फ फाइनेंस या मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन नहीं ले सकते। अब हम इसके कट ऑफ की बात करते हैं। तो DDU नड़ियाद कंप्यूटर और केमिकल के लिए बेस्ट कॉलेज है, और यहाँ पर गवर्नमेंट में आप कट ऑफ देखें तो ये कट ऑफ थोड़े हाई रहते हैं क्योंकि इनकी फीस बहुत लो है। हम कंप्यूटर के ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ देखें तो वह है 344, एससी कैटेगरी के लिए 3870, एसटी कैटेगरी के लिए 19252, एसईबीसी या ओबीसी के लिए 795, ईडब्ल्यूएस के लिए 387। और हम केमिकल का कट ऑफ देखें तो वह है 1573, एससी के लिए 9918, एसटी के लिए 32211, एसईबीसी या ओबीसी के लिए 3004 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2046। और बाकी का कट ऑफ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सेल्फ फाइनेंस के कट ऑफ भी देख सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस में फीस हाई रहती है, इसके लिए इसके कट ऑफ थोड़े लो है। यहाँ पर आप डिस्प्ले होते हुए कट ऑफ देख सकते हैं और ये कट ऑफ 2019 का है। अब हम इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हैं। तो DDU नड़ियाद में से कई स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं और ये प्लेस डेटा 2019 का है।
तो मैंने यहाँ पर ब्रांच और डीडीयू नड़ियाद के कैंपस में से प्लेस हुए उन स्टूडेंट के नंबर लिखे हैं। तो कंप्यूटर में 88 स्टूडेंट, इसी में 63 स्टूडेंट, केमिकल में 56 स्टूडेंट, आईसी में 25, मैकेनिकल में 65, आईटी में 69 और सिविल में 12 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। जो कि आप कंप्यूटर और केमिकल के लिए देख सकते हैं कि इंटेक के मुजब इनके प्लेसमेंट बहुत हाई है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल प्लेसमेंट की। तो डीडीयू नड़ियाद के कैंपस में से 2019 में 80 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, मतलब 80% स्टूडेंट प्लेस हुए थे। जिसको हाईएस्ट पैकेज मिला था वो ऑफर हुआ था 18 लाख पर एनम, मतलब वन ईयर का 18 लाख। एवरेज पैकेज ऑफर हुआ था 4.5 लाख पर एनम और जो लोएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था वो था 3.5 लाख पर एनम। यहाँ पर मैंने नीचे आपको एक ग्राफ दिखाया है, वो ग्राफ डीडीयू के पिछले 3 सालों के एवरेज पैकेज के ऊपर है। तो आप 2017 और 18 में देख सकते हैं कि एवरेज पैकेज थोड़ा लो और नियरली सेम रहा था, लेकिन आप 2019 में इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि डीडीयू नड़िया धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा है। अब हम कुछ कंपनीज देखते हैं जो डीडीयू नड़ियाद में बार बार आती है, उसमें से कुछ बड़ी कंपनी भी है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट, बाइजूस, याहू, क्वांटा, अपोलो म्यूनिच, महिंद्रा राइस, निर्मा, ज्यूस लर्निंग, आईगेट और बाकी भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डीडीयू के कैंपस में किस कंपनी ने कितना पैकेज ऑफर किया था। तो फोन पे ने 5.85 लाख पर एनम, TCS IT ने 5.8 लाख पर एनम, HDFC लिमिटेड ने 5.60 लाख पर एनम, ITC लिमिटेड ने 4.30 लाख पर एनम, S&P ग्लोबल ने 3.50 लाख पर एनम, इंसुडेंट बैंक ने 3.50 लाख पर एनम, कोटक महिंद्रा बैंक ने 3.50 लाख पर एनम, प्रकाश केमिकल्स इंटरनेशनल ने 3.30 लाख पर एनम, डीमार्ट ने 3 लाख पर एनम, प्रकाश केमिकल्स एजेंसी ने 2.60 लाख पर एनम, AU स्मॉल फिन बैंक ने 2.42 लाख पर एनम और मनसुख सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड ने 2 लाख पर एनम ऑफर किया था, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में से निकलते हैं तो आपको इतना पैकेज नहीं मिलता।